तो ये जहाँ पे लोग काम का लोकेशन देखने गए थे वहाँ पे तो कुछ भी नहीं, खोदा बहा निकली चुहिया, मतलब एक डेढ़ घंटे का काम था और वो धनी बता रहा था 5-6 घंटे का काम है। और 4-5 ट्राली हैं जो पटकनी थी वहाँ पे, सिलाई सेंटर वगैरह बना रहे हैं वो लोग, तो मना कर दिया कमी कर रहा भैया, तो अभी ले जाके वहीं पे खड़ी कर दे रहे हैं अपने रामलीला चौराहे पे ठिया पे, और काम आएगा तो देखते हैं, नहीं तो फिर चलो घर। चलो प्रमोद भाई बोले कर देते हैं यार, चलो फिर लेके चलते हैं क्योंकि रनिंग दे रहा है वो। ट्राली भी ले जाना पड़ेगी क्या? अच्छा ऐसे ही आओ, ठीक है ये कहीं लेकर ले आओ, हैं गाड़ी ये कहीं लेकर ले आओ। गाड़ी अंदर ले आओ रे वहां, गाड़ी कर देंगे आओ। ये यहाँ पे बन रही है पार्किंग, तो एक फीट गहरा खोद के उधर ट्रॉली है उसके अंदर भरेंगे मलवा यहाँ से यहाँ तक। बार बार पड़े हुए हैं इसमें, तो फिर वही दिल लाया हूँ। ये यहाँ पे ट्रॉली जो है इन्होंने पहले से ही छुट्टी कर ली थी किसी और बगल के गांव की, तो अपने को लाने की ज़रूरत ही पड़ी नहीं, तो इतने से काम के लिए वैसे भी ओपन लाकर जाती। अभी खुदाई कर रहे हैं वो छोटी छोटी जगह जो है पार्किंग के लिए, 1-1.5 फीट खोदेंगे और उसके अंदर ब्लॉक्स लगेंगे। ये एक बेसिकली सिलाई सेंटर है, काफ़ी सारी मशीन वगैरह भी अंदर आ चुकी हैं और जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। गाँव का सिलाई सेंटर है उदयगिरी, जो भी प्रसिद्ध गुफाएँ हैं ना उदयगिरी के, वहीं है ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये उदयगिरी पर्वत है और इसी के अंदर गुफाएं हैं और ये काम चल रहा है, इसको भर भर के सब खोदेंगे।
पीछे कर लो यार, थोड़ा ब्रेक मार लो हमें। टूट जाएगी वह, तिरछी हो रही है। निकाल ले जाए,
चलो वो तो अपनी जगह पे आ गई, कम से कम हम नुकसान नहीं होगा। भरू बन गई यार, अब नहीं निकलते हो या तो मशीन से लगवा लो मुझे। हाँ डोरी डोरी डोरे, अरे टूट गई, ऊंची करो, पीछे 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 पीछे। अरे चालू करो भैया, अरे गेयर डालो बड़ा भाई, ताकत तो लगाओ। मुर्गा लाओ, मुर्गा लाओ।